मुरादाबाद के थाना मंझौला इलाके से बीती 10 फरवरी को लापता हुए 23 वर्षीय युवक व उसके बाद दलित युवती के दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार न होने से गुस्साए दलित समाज के लोगों ने सिविल लाइन के अंबेडकर पार्क में सैकड़ों की तादाद में जुलूस की शक्ल में राज्य सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजा है। दरअसल मुरादाबाद के थाना मजोला इलाके के लकड़ी गांव से बीती 10 तारीख से 23 वर्षीय मगन नाम का एक युवक लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी परिजनों द्वारा थाना मजोला में दर्ज कराई गई थी। साथ ही आरोपियों के नाम भी परिजनों द्वारा बताए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने व थाना मजोला की रहने वाली युवती के साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा दुष्कर्म व निर्मम हत्या करने के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी न होने से गुस्साए दलित समाज के लोगों ने सैकड़ों की तादाद में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। 8 दिन हो गए आज किसी ने नहीं सुनी, इतला करी पुलिस में, वो जो है सुनकर रिपोर्ट लिखवाओ, फोटो स्टेट कराओ, ये कराओ वो कराओ, किसी ने नहीं सुनी, ऐसी बहाने ले रहे हैं। लड़की का मैटर हो गया उसमें लग गए, शादियों का मैटर हो गया उसमें लग गए, कल देखा हमने तो कल कोई कार्रवाई नहीं करी, कल वो दरोगा कौन है जरा सी देर को आके और वो छुट्टी लेकर चले गए, मुझे ऐसा लग गया है वो बिक गए इसलिए छुट्टी लेकर चले गए। मेरा आज के दिन से गया है, आज के दिन से ट्रांसपोर्ट पर अपने बाप के साथ रह भैया और ठेकेदारी भी करे है, शक है मोहित पे, वो ठेकेदारी दोनों ने साथ करी ही, उसके पैसे भी है उस पर, लाखन है मोहित है, पांच जना चार, हाँ लास्ट लोकेशन वहाँ पे ही आ रही है, कराई ही बृहस्पति की रात को सारी रात ढूंढा पुलिस वालों से, कही उन्होंने कुछ नहीं सुनवाई करी, पूरा दिन शुक्र का दिन ढूंढा जब भी नहीं आए पुलिस वाले, हाँ हमें न्याय चाहिए, मेरा बेटा जैसा भी है वापिस चाहिए, मेरा बेटा वापिस चाहिए। हाँ ये मामला है थाना मझोला क्षेत्र में लाकड़ी गाँव है, वहाँ से 10 तारीख को एक बच्चा मगन कुमार नाम का 23 साल उम्र है गायब हो गया और थाने में अगले ही दिन गुमशुदगी दर्ज करा दी गई थी, लेकिन थाना आजा की पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी, ना पीड़ित परिवार के घर पे गए, ना कोई जानकारी ली और ना उसकी कोई छानबीन करी। आज जो है 18 तारीख हो गई, 8 दिन से लड़का लापता है, जवान बेटा है, पूरे घर में जो है मातम सा छाया हुआ है, लेकिन थाना हाजा की पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमारी मांग है कि जो लापता मगन कुमार है उसको तत्काल जो है तलाश किया जाए और पीड़ित परिवार की मदद की जाए। दूसरा प्रकरण जो है 14 तारीख को यहाँ मझोली के अंदर कुमारी प्रियंका उर्फ ज्योति जो दलित समाज की बेटी है उसकी कुछ दरिंदों के द्वारा बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है, उस केस का भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि उसके दरिंदों को भी तुरंत जो है गिरफ्तार करके जेल भिजाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलाकर उनको फांसी दिलवाई जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। और हमारी सरकार से मांग है कि ये जो दलितों पर जुल्म जास्ती अत्याचार हो रहे हैं इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं तो हमारे जो सामाजिक संगठन है अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ के नेतृत्व में ये जन आंदोलन करने को बात